स्वागत है आपका हमारे सिवा अयोध्या वाले ब्लॉग में। तो दोस्तों आज आपको लेकर चलते हैं अयोध्या के बहुत पुरानी मंदिर जो है दोस्तों माता सीता का भवन है। तो आज ले चलकर आपको दिखाते हैं उस भवन को, उसको कनक भवन के नाम से जाना जाता है, जिसको दोस्तों माता कैकेयी ने माता सीता को जो है वो दिखाई में दिया था। तो ये अभी जो है अभी देखिए दशरथ महल के बगल से जो है चल रहे हैं, और आपको जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर दशरथ महल का भी वीडियो पड़ा है, जाकर देख सकते हैं। तो इसके बगल से ही दोस्तों कनक भवन का रास्ता है, ये देखिए कि यहाँ से जो हम लोग चल रहे हैं, श्रद्धालु लोग भी जा रहे हैं। आपको बैक कैमरे से पूरा अच्छे दिखाते हैं और समझाते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस साइड में आपको दिखा देते हैं, पीछे साइड में ये देखिए हनुमान गढ़ी से जो है रास्ता आता है सीधा, सामने हनुमान गढ़ी है, और अब हम लोग जा रहे हैं इस रास्ते से कनक भवन के लिए। तो दोस्तों अयोध्या की प्रसिद्ध मंदिरों में जो है इस मंदिर की गिनती होती है, और माता सीता और भगवान राम जी का जो निजी महल कहलाता है दोस्तों यह भवन। तो आज जो है आपको ले चलकर दिखाते हैं कैसे है भवन। और यहाँ देखिए कुछ दुकानें हैं, सभी लोग जो है खरीदारी कर रहे हैं, तो जो श्रद्धालु लोग आते हैं कुछ ना कुछ अयोध्या से खरीद कर ले जाते हैं। और यहाँ सामने बोर्ड लगा हुआ है कनक भवन का, तो इस साइड जाता है दोस्तों अंदर के साइड, इधर भी कनक भवन जाता है, और ये मार्ग जो है एकदम मेन द्वार पर ले जाता है कनक भवन के। तो इसी मार्ग से हम लोग चलते हैं सीधा कनक भवन के पास। तो यहाँ देखिए जो है श्रद्धालु लोग आते जाते रहते हैं हमेशा। तो अभी हम चल रहे हैं इस मार्ग से, ज़्यादा दूरी पर नहीं है दोस्तों, यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर और है। तो ऐसे जो है दुकानें हैं साइड साइड से। इतनी दूर आने के बाद जो है कनक भवन पहुँच चुके हैं फाइनली अब हम लोग, और ज़्यादा दूर नहीं आना पड़ा, लगभग दोस्तों 200 मीटर जो है आना पड़ा दशरथ महल से। तो आपको दिखाते हैं, ये है इसका प्रवेश द्वार, यहाँ पर लिखा गया है कनक भवन श्री अयोध्या जी। तो पूरा आप बैक कैमरे से दिखाते हैं। तो बाहर से कुछ ऐसा दिखता है महल गेट से, और अंदर से चलते हैं आपको पूरा दिखाते हैं कैसे जो है पूरा महल बनाया गया है। तो दोस्तों अब हम अंदर में आ चुके हैं देखिए, और जो है अभी मंदिर का जो द्वार है प्रवेश द्वार वो बंद है, तो श्रद्धालु लोग जो इंतज़ार कर रहे हैं, हम लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं। तभी 3 बज रहे हैं और 4 बजे जो है इसका प्रवेश द्वार खुलेगा, इसका टाइमिंग जो है दोस्तों आपको वो भी बता देंगे। और अभी जो है तो आपको दिखाते हैं मंदिर को बगल से और सामने से कैसी मंदिर है, तब तक इसके बाद जो है आपको दर्शन कराएंगे अंदर में, इसके बाद फिर वीडियो एंड करेंगे। तो चलते हैं आपको पूरा अच्छे से दिखाते हैं। और यहाँ पर देखिए श्रद्धालु लोग इंतजार कर रहे हैं दर्शन करने के लिए, जब द्वार खुलेगा तब अंदर जाएंगे ये लोग भी। तो चलते हैं आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों इसका जो टाइमिंग है सुबह 8 बजे से दोपहर को 12 बजे तक, और फिर इसके बाद 4 बजे से रात को 10 बजे तक जो है मंदिर का द्वार खुला रहता है। तो जो श्रद्धालु लोग आते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, इन लोग को टाइम नहीं पता था और यहाँ पर बैठे हुए हैं इंतज़ार कर रहे हैं। अभी चलते हैं आपको उस साइड से दिखाते हैं बगल से। तो यहाँ से देखिए कैसा महल दिख रहा है पूरा भवन जो है, और आप देख ही रहे हैं कितना बड़ा पूरा बनाया गया है। जो सामने से देखेंगे दोस्तों काफ़ी बड़ा भवन है। तो दोस्तों आपको इस साइड से भी दिखा दिए कितना बड़ा कनक भवन है, और देखिए जैसा कि आप, और आपको लेकर चलते हैं उस साइड से दिखाते हैं यहाँ पर, क्योंकि ऐसे जैसे प्रवेश द्वार इधर बनाया गया सामने, ऐसे बिल्कुल इधर भी बनाया गया, तो उधर ले चलते हैं दिखाते हैं। और आपको हमारे बगल में दिख रहा होगा ये धर्मशाला है दोस्तों, जो श्रद्धालु लोग आते हैं यहाँ पर उनके रहने के लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है। आपको पहले धर्मशाला दिखा देते हैं बैक कैमरे से, उसके बाद जो है यहाँ लेकर चलते हैं, क्योंकि श्रद्धालु लोग आते हैं और काफ़ी परेशान हो जाते हैं कहाँ रुके, तो यहाँ पर भी रुकने की व्यवस्था है, आपको भी दिखा देते हैं ताकि आने के बाद कोई प्रॉब्लम ना हो अगर फैमिली के साथ में आए। तो हम लोग का तो दोस्तों यहीं पर घर है, अपने घर चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जो दूर से आते हैं उनको काफ़ी दिक्कत हो जाती है कहाँ रुकेंगे क्या करेंगे। तो यहाँ देखिए धर्मशाला बनाया गया है, इसको दिखाते हैं बैक कैमरे से, इसके बाद जो है आपको इधर से जो कनक भवन मंदिर है इधर से दिखाते हैं फिर। तो दोस्तों जैसा कि आपको इस साइड से मंदिर दिखा दिए कैसी है, अभी आपको जो है प्रवेश द्वार के जहाँ से प्रवेश किया जाता है मंदिर के अंदर में, वहाँ से लेकर चलेंगे। और अभी जो हमारे सिवा अयोध्या वाले भाई साहब देखिए आराम कर रहे हैं ये बैठकर,
तो थक चुके हैं ये, और जो है हम अभी आप लोगों के लिए जो ब्लॉग बना रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग अगर अयोध्या में आते हैं तो आप लोग जो है अयोध्या में जो कोई भी स्थान आपका छूटे ना, इसलिए जो है हम लोग ब्लॉग बनाते हैं ताकि जो लोग यहाँ पर आए घूमने टहलने तो वो पूरा यहाँ से भी घूम कर जाएं, क्योंकि काफ़ी लोग भाई आते हैं और राम मंदिर और राम पेड़ी कुछ कुछ स्थान देख कर जो है वापस चले जाते हैं, तो उतना दूर से आते हैं खर्चा कर कर और फिर वापस चले जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है ऐसे भाई। क्योंकि हम भी गए थे हरियाणा में तो कुरुक्षेत्र गए थे, तो वहाँ जो है पूरा सही से नहीं घूम पाए क्योंकि कोई वहाँ का घुमाने वाला नहीं था लोकल, तो उस वजह से जो है कहीं जाना और था और चले कहीं और गए थे। पास ही पास में जो स्थान था दोस्तों वहाँ सब नहीं घूम पाए थे अच्छे अच्छे स्थान पर, तो इसलिए जो है आप लोगों को ये वीडियो बनाते हैं ताकि आप लोगों को जो है परेशानी ना हो। और आप लोग यार दोस्तों वीडियो लाइक करा करिए, क्योंकि आप ही लोगों के लिए जो है हम लोग वीडियो बनाते हैं ताकि जो अयोध्या में श्रद्धालु लोग आए और घूमे टहले तो उनको कोई दिक्कत ना हो, यहाँ सब भी आए। देखिए जैसा कनक भवन आपको दिखाई दिए, कितनी बड़ी मंदिर है पूरा, कितना बड़ा भवन है, तो सभी लोग आए और यहाँ पर भी घूम कर जाइए क्योंकि काफ़ी बड़ा भवन है, देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो अभी जो है मंदिर का गेट खुलने वाला है, ज़्यादा देर नहीं है, 20-25 मिनट और बचा हुआ है, उसके बाद आपको अंदर में ले चलकर दिखाएंगे कैसा है। तो अभी चलने ही वाले हैं और चलते हैं अभी जहाँ से अयोध्या वाले भाई साहब बैठे हैं ये, यहाँ हम भी चलते हैं बैठते हैं। और कमेंट कर बताइएगा दोस्तों आप लोग वीडियो देख कहाँ से रहे हैं हमारा, तो इनको देखिए बैठे हुए हैं, यहाँ हम भी चलते हैं बैठते हैं। तो सामने देखिए द्वार खुल चुका है और अब हम लोग जो चलते हैं प्रवेश द्वार से जो है अंदर चलते हैं भवन के, कैसा भवन है अंदर से वो भी दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोग चल रहे हैं और इस शिवा भाई को देखिए, इनके चेहरे पर स्माइल आ गया है क्योंकि 2 घंटे इंतजार करने के बाद जो है प्रवेश द्वार खुला है, तब वहाँ से अंदर चलते हैं, अब तो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं ये। तो सब लोग मंदिर के अंदर चल रहे हैं, तो अब हम भी चलते हैं मंदिर के अंदर, और पूरा मंदिर के अंदर से कैसा है वो सब दिखाते हैं आपको। बाहर से तो दिखाई दिए कितना बड़ा महल है पूरा, जैसा कि आप देख ही लिए, तो अंदर से दिखाते हैं। तो यहाँ से देखिए इसका जो प्रवेश द्वार है कैसे बनाया गया है, काफ़ी बड़ा प्रवेश द्वार बनाया गया है। और दोस्तों बताया जाता है कि जब यह महल बना था माता कैकेयी ने जब सीता माता को दिया था तो पूरा सोने का महल था, यहाँ पर जो महाराज लोग रहते हैं बाबा लोग वो बताते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कैसे अंदर से है पूरा, एक प्रकार से अभी भी जो इसमें देखिए गोल्डन पूरा कलर किया गया है, गोल्डन कलर का पूरा महल लग रहा है अभी भी। तो अभी हम लोग जो है अंदर चल रहे हैं, देखिए प्रवेश द्वार जो है ऐसे जो 3 द्वार हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, अभी सामने वाला जो प्रवेश द्वार है इसको पार करने के बाद देखते हैं आगे क्या है। तो यहाँ से देखिए अब अंदर में पूरा कैसा दृश्य है, काफ़ी भव्य और आकर्षक दिख रहा है जैसा कि आप देख ही रहे हैं, कैसे पूरा डिजाइन किया गया है दोस्तों, काफ़ी बड़े बड़े द्वार इसमें बनाए गए हैं और 1000 साल पुराना जो है ये भवन है, तो कैसे पूरा है आप देख ही रहे हैं। और अंदर में चलते हैं देखते हैं कैसे पूरा अंदर में है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो काफ़ी लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई है, सभी लोग जो है सीधा मंदिर के अंदर में आ चुके हैं जैसा कि आप देख ही रहे हैं, तो सामने जाने का जगह नहीं है अभी जो है, धीरे धीरे कर सब लोग दर्शन कर आगे निकलेंगे तो हमारा भी नंबर आने वाला है, तो आपको दिखाते हैं फिर वहाँ सीधा चल। यहाँ पर देखिए माता सीता और श्री राम जी लक्ष्मण जी जो है तीनों लोगों की मूर्ति यहाँ पर है, तो अंदर मंदिर में ऐसे ही है और सभी लोग जो है ऐसे दर्शन करते हैं यहाँ से, इसके बाद फिर आगे चले जाते हैं। तो अब हम लोग भी आगे चलते हैं। तो जैसा कि आपको पूरा दिखाई दिए कैसे है, और ये शिवा अयोध्या वाले भाई को देखिए यहाँ पर ये बैठे हुए हैं, तो ये अलग ही मगन है और वीडियो शूट कर रहे थे, तो पूरा आपको बाहर से एक बार दिखा देते हैं कैसे हैं अंदर में, फिर जो है इसके बाद वीडियो एंड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए माता सीता का जो पैर का चिन्ह है यहाँ पर, तो सब लोग जो है माथा टेकते हैं और यहाँ इस पर जो है फूल लगाया जा रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं भाई लोग फूल लगा रहे हैं और सामने फूल रखा गया ये।
ये सब पूरा सजावट के लिए जो है फूल लाया गया है। तो आप देखिए कितना खूबसूरत पूरा दिख रहा है अंदर से जो है पूरा कनक भवन कैसा है, ये देख लीजिए पूरा अच्छे से। तो दोस्तों दिल्ली में लोग जाते हैं लाल किला घूमने, हमारी अयोध्या नगरी में भी ऐसा ऐसा स्थान है जैसा कि आप देख ही रहे हैं, पूरा लाल किले से भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। तो दोस्तों अब हम जो है बाहर आ चुके हैं, हमारे पीछे देख लीजिए श्रद्धालुओं की संख्या कितनी अधिक है। तो शाम का टाइम है तभी लोग आते हैं घूमने टहलने, और जैसा कि आप देख ही रहे हैं पीछे। तो आपको जो है ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और आप हमारा ब्लॉग कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट करके बताइए दोस्तों। और अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक जरूर करिएगा, और आपको मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।